गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। वैसे तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले ही बता दिए गए हैं, तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि सर एक्सरसाइज कैसे बनेगा, कैसे डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज 2.3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि वेदर डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल जी एक्स। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हम लोग पी एक्स को देखते हैं, किस तरह से डिवीजन होता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स में है एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहले हम लोग जैसे उसको लिखा जाता है उसको लिख लेते हैं। पी एक्स को लिख लिया जा रहा है, जिसको डिवाइड करना है डिविडेंड को उसको बीच में रखा गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जिससे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, डिविडेंड जिसको कहते हैं, सॉरी डिवाइजर जिसको कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। देखिए बच्चों, डिवाइड करने में पहला रूल ये है कि पहला वाला ये डिविडेंड का पहला टर्म हमको हमें कैंसिल कराना है। तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं डिवाइजर के पहले टर्म, ताकि वो क्या हो जाए, वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए। देन एक्स क्यूब है यहाँ पे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आखिर किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि वो एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू एक्स। एक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स क्यूब हो जाता है, देन ये हो जाता है एक्स क्यूब, और माइनस 2 को भी फिर इससे मल्टीप्लाई कराना होगा, देन माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x। अब माइनस 2x को कहाँ रखें, इस एक्स स्क्वायर के नीचे तो नहीं रख सकते हैं। तो जिसका जैसा डिग्री होता है उसी के नीचे उस टर्म को रखा जाता है ना। इसका डिग्री है माइनस 2x हो गया ये, तो 5x के नीचे हम लोग माइनस 2x को रखते हैं। अब फिर साइन चेंज की बारी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा ये स्टेप है वो है साइन चेंज का। सो माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस, देन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज जीरो, ये माइनस 3x स्क्वायर वैसा का वैसा ही आ जाता है, प्लस 5x, और इसका साइन चेंज करने पे ये भी प्लस 2x हो जाता है। तो प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस 7x एंड माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3 बन जाता है। सो अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखना है ये कि एक्स स्क्वायर को आखिर किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, जैसा कि बताया कि पहला टर्म को बस कैंसिल आउट कराना है। सो एक्स स्क्वायर को अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये माइनस 3x स्क्वायर बन जाता है, देन माइनस 2 को भी कराना होगा, सो माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 6। तो अब ये यहाँ पे क्योंकि इसका डिग्री जो है वो जीरो है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखाएगा, तो दैट इज प्लस 6। सो ये पहला टर्म भी कैंसिल हो गया, अब बच जाता है हमारे पास 7x एंड माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 9। तो फाइनली अब इसका डिग्री जो है वो इसके डिग्री से, डिवाइजर के डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री जो है वो कम हो गया, इसका मतलब अब आगे जो है वो डिवाइड नहीं होना है। ओके, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 7x माइनस 9। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में। उसी तरह से एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो बच्चों एक बात याद रखना है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका डिग्री बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको हम लोग अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो इसी तरह से इसे भी डिवाइड किया जा रहा है। तो पहला टर्म एक्स 4 है, एक्स स्क्वायर को आखिर कितने से मल्टीप्लाई कराया जाए कि एक्स 4 बन जाए, सो एक्स स्क्वायर से, ये एक्स 4 हो जाता है, देन बाकी के टर्म को भी तो उसी से मल्टीप्लाई कराना है। सो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब एंड प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें एक्स टू द पावर 4 तो था, लेकिन एक्स टू द पावर 3 नहीं था, एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं था। तो जब नहीं था तो ये आने के चांसेस बन जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हमारे पास कोई टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जीरो दे के लिख लेते हैं। तो x टू द पावर 4 था प्लस 0 x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो
x square into x square, x to the power 4, minus x into x square is minus x cube and plus 1 into x square is 1x square. तो ये तो cancel हो ही गया. अब हमारे पास 0x cube और plus x cube, एक x cube बन गया. माइनस यहाँ पे माइनस 3x square और साइन चेंज करने के बाद ये भी माइनस x square, so माइनस 4x square, बाकी ऊपर के टर्म को जैसे के वैसे ही हम लोग उतार लेते हैं. अब यहाँ पे x cube बन जाता है, x square को कितने के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि वो x cube बन जाए, so x square into x is x cube minus x cube, ये कैंसिल हो गया. माइनस x into x, that is माइनस x square, तो माइनस इसका साइन चेंज होने के बाद ये प्लस बन जाता है. And plus 1 into minus 3 is, sorry, plus 1 into minus x, plus 1 into plus x is plus x. So, sign change कराते हैं हम लोग, ये minus, ये plus, ये minus. X cube gets cancelled. Now, minus 4x square and plus x square, ये बन जाता है minus 3x square. Plus 4x minus x, ये बन जाता है plus 3x. और constant term 5 वैसे के वैसे ही उतर जाता है. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे x square और यहाँ पे minus 3x square. तो x square को कितने के साथ multiply कराया जाए? x square into minus 3 is equal to minus 3x square. Now minus x into minus 3, minus into minus plus and x into 3 is 3x. Plus 1 into minus 3 is minus 3. अब इसको फिर sign change करते हैं, ये plus हो जाता है, ये minus हो जाता है, ये plus. So minus 3x square and plus 3x square, this gets cancelled. Plus 3x and minus 3x, this also gets cancelled. Then 5 plus 3 is equal to 8. अब इसकी degree जो है वो divisor की degree से कम हो जाने की वजह से अब ये आगे नहीं जाएगा. So question is x square plus x minus 3 and remainder is 8. Similarly, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? Third number question में p of x is equal to x to the power 4 minus 5x plus 6. अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों बहुत ज्यादा गैप है. x टू द पावर 4 तो है लेकिन x टू द पावर 3 नहीं है, x टू द पावर 2 नहीं है, डायरेक्टली क्या है हमारे पास x माइनस 5x है, तो x टू द पावर 1 पे आ जा रहे हैं. और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, 2 माइनस x स्क्वायर है. तो क्या बताया गया कि इसको हमेशा x वाले टर्म को हमेशा डिग्री जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. तो माइनस x स्क्वायर पहले आ जाता है और प्लस 2 जो है वो बाद में आता है. सो इसको भी हम लोग उसी तरह से अरेंज करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब क्योंकि नहीं था, प्लस 0x स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर का टर्म भी नहीं था, माइनस 5x प्लस 6. सो इसको डिवाइड किया जा रहा है माइनस x स्क्वायर प्लस 2 से. देन माइनस x स्क्वायर को कितने के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि वो प्लस x टू द पावर 4 हो जाए? तो पहला तो बात है माइनस को अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ही वो प्लस हो जाता है, देन पहले माइनस दे देते हैं. x square को कितने के साथ multiply कराया जाए कि x to the power 4 हो जाए? Then x square के साथ. So x to the power 4 and plus 2 into minus x square is equal to minus 2x square. यहाँ पे आ गया. तो ये minus sign change करेंगे, ये minus, ये plus. So x4 gets cancelled. यहाँ 0x square and plus 2x square ये बन जाता है 2x square. Minus 5x plus 6 को हम लोग उतार लेते हैं. अब माइनस एक्स स्क्वायर को फिर कितना से मल्टीप्लाई कराया जाए? तो माइनस 2 से कराते हैं तो ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर बन जाता है. एंड प्लस 2 इंटू माइनस 4, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4. देन साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस. सो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर 0, माइनस 5 एक्स वैसा का वैसा ही उतर जाता है. साइन चेंज होने के बाद ये माइनस 4 प्लस 4 बनता है. सो प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. दिस इज योर रिमाइंडर, ये बन जाता है रिमाइंडर. So quotient is minus x square minus 2 and remainder is minus 5x plus 10. Okay, तो ये हमारा था first question. बच्चों board मेरा छोटा है जिसकी वजह से आपको दोबारा से ये मिटा के फिर से बनाना पड़ता है, थोड़ा time taking है. Okay, बने रहना है वीडियो के अंत तक. Okay बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम लोग question number 2 में जिसमें ये पूछा गया है the determine whether the first polynomial is a factor of second polynomial or not. तो कभी फैक्टर कब होता है? हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम में कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो पी एक्स का फैक्टर है. ओके, तो यहाँ पे पहला वाला पॉलिनोमियल उसको मान लेते हैं हम लोग कि जी एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और पी एक्स जो है वो है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. देन इसको डिवाइड कर देंगे. सो 3x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus 7x square plus 2x
माई प्लस टू एंड डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन से। बहुत अच्छे सीक्वेंस में है ये, पावर देखेंगे बिल्कुल घटते हुए गया है, 4, 3, 2, 1, 0। तो सारा क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी अभी डिवीजन के तीन क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे, अब ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, तो सारे क्वेश्चन नहीं बना रहे, क्वेश्चन टू नंबर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो वो फैक्टर होगा। ओके, तो इसको देखेंगे हम नाउ, एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई कराया जाए कि 3x⁴ हो जाए, सो डेफिनेटली 3x² से, 3x² से कराएंगे तो ये 3x⁴ हो जाएगा। नाउ 3x अगर 3x⁪ से हो तो 3 × 3 9 एंड x × x² ये प्लस कितना हो जाता है 9x³ हो जाता है, 1 × 3x² दैट इज प्लस 3x². अब बारी आती है किसकी, साइन चेंज की, सो साइन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3x⁻¹ 3x⁴ जीरो, 5x⁻³ −9x³, तो ये कितना बच जाता है −4x³, और यहाँ पे −7x² −3x², ये दोनों कितना बन जाते हैं माइनस एंड माइनस गेट्स एडेड दैट इज −10x². अब यहाँ पे साथ में क्या आ जाता है +2x + 2, नीचे हम लोग ले देते हैं। नाउ x² को कितना के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि −4x³ हो जाए, तो डेफिनेटली −4x के साथ, इसको −4x के साथ कराते हैं ये बन जाता है −4x³, देन +3 × −4 इज −12 एंड x × x इज x², सो −12x² एंड 1 × −4x इज −4x। सो अब इनके साइन को हम लोग चेंज करेंगे, ये बन जाता है प्लस, ये भी बन जाता है प्लस, ये भी बन जाता है प्लस, तो पहला टर्म कैंसिल हो जाता है, −10x² + 12x², तो ये पॉजिटिव वाला ज्यादा बड़ा है, सो वी गेट +2x². यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है +2x एंड +4x इज इक्वल टू +6x एंड +2। देन x² को कितना के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि वो 2x² बन जाए, देन डेफिनेटली +2 के साथ, तो ये कितना बन जाता है x² × 2 इज 2x² +3 × 2 +6x एंड 1 × 2 इज +2। अब साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो क्या देखते हैं हम लोग, +2x² −2x² becomes 0, +6x −6x becomes 0, +2 −2 becomes 0, तो पूरी तरह से हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस अब हम लोग क्या कह सकते हैं, आंसर होगा यस, यस x² +3x +1 ईच ए फैक्टर, ईच ए फैक्टर ऑफ 3x⁴ +5x³ −7x² +2x +2, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो बच जाता है तो हम कहेंगे कि यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग बस एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ओके, अब बच्चों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ +6x³ −2x² −10x +5। If its two zeros are √5+3 and −√5+3, then सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर कितने सारे जीरोस निकलेंगे। तो अगर आप लोगों को याद होगा जब बेसिक्स पढ़ाया जा रहा था तो ये बताया गया था कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो जीरोस एक होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो जीरोस दो हो गए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुए तो जीरोस तीन होंगे, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है, पावर जो है वो 4 है, डिग्री 4 है, तो अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से दो दिया हुआ है तो और दो हम लोगों को ढूंढना है कि वो दो आखिर क्या होंगे। अब जब दो जीरोस दिए हुए हैं देन डेफिनेटली ये फैक्टर,
दिस मीन्स यहाँ पे अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है कि अगर ये दिया हुआ है दिस मीन्स दैट जीरो मीन्स x इज इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस 5 बाई 3 देन ये क्या बन जाता है. दिस मीन्स दैट x माइनस रूट अंडर 5 बाई 3 इज ए फैक्टर एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर 5 बाई 3 दिया हुआ है. तो दिस मीन्स दैट x प्लस रूट अंडर 5 बाई 3 इज ए फैक्टर है कि नहीं. तो फैक्टर क्या बनता था, जो हमारे जीरोस आते थे x से उसको माइनस कर देते थे तो वो फैक्टर बन जाता था. यहाँ पॉजिटिव में था तो ये x माइनस रूट अंडर 5 बाई 3 बना. यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 5 बाई 3 था, इसे हम लोग इधर ट्रांसपोज करते हैं तो x प्लस रूट अंडर 5 बाई 3 ये बन जाता है एक फैक्टर. सो वी हैव गॉट टू ऑफ आवर फैक्टर्स, दो फैक्टर हम लोगों को मिल जा रहे हैं. देन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो भी एक फैक्टर होगा. सो आवर फैक्टर इज इक्वल टू x माइनस रूट अंडर 5 बाई 3 इंटू x प्लस रूट अंडर 5 बाई 3. ये अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, x a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस रूट अंडर b स्क्वायर. ओके सो वी गॉट हियर x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 क्योंकि रूट अंडर है और स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बाई 3 बन जाता है. सो वी गेट हियर 3 एलसीएम जो है इसका 3 निकल जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5. If we equate it to 0, we get one of the factor 3x square minus 5. तो एक फैक्टर हम लोगों का क्या निकल गया 3x square minus 5. अब इस फैक्टर से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा मेन px है उसको जब डिवाइड करेंगे तो बाकी के और दो फैक्टर निकल जाएंगे. ओके तो इसको डिवाइड करके देखते हैं. देन डिवाइडिंग इट 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5. इससे हम लोगों को डिवाइड करके दूसरा जो फैक्टर है जो आंसर आएगा दैट विल बी द अनदर फैक्टर. तो 3x स्क्वायर को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 3x टू द पावर 4 हो जाए. सो डेफिनेटली x स्क्वायर से, तो ये बन जाता है 3x टू द पावर 4 माइनस 5 इनटू x स्क्वायर इज माइनस 5x स्क्वायर. नाउ साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाता है. यहां पे आ जाता है हमारे पास 6x टू द पावर 3, ये बन जाता है प्लस 5 एंड माइनस 2 दैट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. अब 3x स्क्वायर को कितना के साथ मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब बन जाए, सो डेफिनेटली प्लस 2x के साथ. सो ये बन जाता है 6x टू द पावर 3 देन माइनस 5 इंटू प्लस 2x इज इक्वल टू, ये कितना बन जाता है माइनस 10x. सो ये बन जाता है माइनस 10x माइनस 5 इंटू 2x. अब आ जाते हैं इस पे, ये हो जाता है माइनस ये हो जाता है प्लस. सो 6x क्यूब एंड 6x क्यूब 6x cube minus 6x cube gets cancelled. बच जाता है हमारे पास 3x square minus 10x plus 10x, ये भी चला जाता है. बच जाता है हमारे पास क्या, यहाँ पे बच जाता है plus 5. Okay, तो कितना के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3x square, और एक मिनट बच्चों, so 3x square into प्लस 1 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास 3x स्क्वायर इनटू 1 दैट इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 5 इनटू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस 5. वेट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया था बच्चों, ये जो है ये प्लस 5 नहीं, यहां पे माइनस 5 था. ओके सो दिस विल बी माइनस 5, यहां पर भी ये माइनस 5 हो जाएगा और यहां भी ये कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा. सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 इज डेफिनेटली 3x स्क्वायर माइनस 5. तो क्या बन जाता है, ये माइनस और ये प्लस. सो क्या आ जाता है हमारे पास, रिमाइंडर आ जाता है 0. तो जब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है दिस मीन्स बोथ दिस मल्टीप्लाइड टू दिस
इसको डिवाइजर को और जो हमारा कोशेंट आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स के बराबर आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं, दिस मीन्स अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, दिस मीन्स पी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3x² - 5 मल्टीप्लाई टू x² + 2x + 1। ओके, x² + 2x + 1, तो ये भी तो कंप्लीट फैक्टर, ये दोनों ही फैक्टर हैं। ओके, लेकिन ये पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना होगा। देन 3x² - 5, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, x² + x + x + 1। ओके, तो अब हमारे पास क्या मिल जाता है, 3x² - 5 एंड x यहां से कॉमन आ जाता है x, दैट इज x + 1, और 1 कॉमन आ जाता है x + 1। सो बोथ द फैक्टर्स आर, अब हमारे पास सारे फैक्टर मिल जा रहे हैं, 3x² - 5 इंटू x + 1 इंटू x + 1। तो जो बाकी दो जीरोस हम लोगों को निकालने थे तो दोनों ही मिले हैं हम लोगों को x + 1। जब जीरोस निकालने होते हैं तो फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं लोग जीरो के साथ। सो नाउ x + 1 = 0, देयरफॉर x = -1। और दूसरा जो फैक्टर था वो भी क्या था, x + 1 = 0, देन x = -1। सो आवर आंसर विल बी कि ये दो जीरोस तो थे ही, और बाकी जो दो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी -1 and -1। ओके, दैट इज x = -1 and -1 विल बी योर आंसर। तो ये इस तरह से हम लोगों को बनाना पड़ेगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि दो जीरोस दिए हुए हैं तो पहले उनको प्रोडक्ट फॉर्म में ला के हम लोग एक फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा पी एक्स था उसको डिवाइड करने पे हम लोगों को एक आंसर मिलेगा। अगर वो सिंगल बिल्कुल कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म में मिलता है तो फिर तो वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर से वापस से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं और हम लोगों को पूरे सारे फैक्टर्स इसके मिल जाते हैं। सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो उनको इक्वेट करा दिया जाता है तो वो जीरो बन जाता है। ये तो पहले से ही मालूम था, ये 3x² - 5 आया क्यों था, क्योंकि दो जीरोज हमें मिले हुए थे, √5/3 and -√5/3। कितने जीरोज होंगे इसके लिए ध्यान देना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 3x⁴ है, अगर पावर 4 है तो जीरोज भी 4 होंगे। तो फाइनली हम लोगों को ये दो आंसर जो है मिला क्या, x = -1 and x = -1। ओके, सो दिस वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय एनी पॉलिनोमियल gx, कोई दूसरा पॉलिनोमियल है gx, वी गेट कोशेंट जो है वो कितना मिलता है, x - 2, और रिमाइंडर कितना मिलता है, -2x + 4। तो कहता है फाइंड gx, gx निकालना है हम लोगों को। तो जैसा कि हम लोग बताए थे बहुत पहले से ही, ये रिमाइंडर फॉर्म, ये डिविजन का जो एल्गोरिदम है वो क्या था, दैट px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। बताया गया था कि पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, वो कोशेंट मल्टीप्लाई टू द डिवाइजर एंड प्लस द रिमाइंडर, ये इसके बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं p ऑफ x क्या है, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे g ऑफ x। तो p ऑफ x है x³ - 3x² + x + 2 इज इक्वल टू कोशेंट x - 2 इंटू gx g ऑफ x प्लस रिमाइंडर, कितना मिला हुआ है, रिमाइंडर है -2x + 4, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, gx निकालना है। देन पहला काम क्या होगा कि इस रिमाइंडर को पहले इधर लेके आए, सो x³ - 3x² + x + 2 माइनस, ये प्लस था ये इधर आता है, -(-2x + 4) इज इक्वल टू x - 2 इंटू जी ऑफ एक्स। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है यहाँ पे, x³ - 3x² अब देखेंगे
ये माइनस इंटू माइनस टू एक्स, ये प्लस टू एक्स एंड प्लस एक्स, फाइनली क्या बन जाता है प्लस थ्री एक्स प्लस टू एंड माइनस इंटू प्लस, यहां पर माइनस फोर, तो फाइनली क्या बन जाता है हमारे पास माइनस टू। ये एक्स यहां पे ध्यान से देखेंगे, पहले से ही एक एक्स था और माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स हो जाता, प्लस एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, और प्लस टू यहां पे था ही माइनस इंटू प्लस फोर, ये माइनस फोर हो जाता, प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू। तो अब ये बन जाता है हमारे लिए क्या, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई टू जी एक्स, जी ऑफ एक्स। तो हम लोग को जी ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये इधर जो मल्टीप्लाइड में है ये इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, डिवाइड करेगा इसको, सो जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दैट इज पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नाउ क्यू ऑफ एक्स। अब जो बचा हुआ है ये यहां पे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, क्यू ऑफ एक्स को। एक्चुअली इसको डायरेक्टली पी ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं, इसको ये चीज लिखना होगा कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं, ओके सो डिवाइड करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, ओके यहां पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखते हैं ये क्या बनता है, एक्स टू द पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ओके एक्स माइनस टू से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। पहला काम क्या है, इसको कैंसिल कराना, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर भी होगा, दैट विल बी माइनस टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये बन जाता है हमारे लिए साइन में माइनस, ये बन जाता है साइन चेंज के वक्त प्लस, सो माई एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब गेट्स कैंसिल्ड, और यहाँ पे क्या बच जाता है हमारे लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, तो x को कितने के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, सो माइनस ऑफ x के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, देन दिस बिकम्स माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू माइनस x, ये कितना हो जाता है प्लस टू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स, सो ये बन जाता है साइन चेंज के बाद प्लस और ये बन जाता है माइनस, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस टू, तो कितना एक्स माइनस टू और यहाँ पे भी एक्स माइनस टू, सो डेफिनेटली प्लस वन से हम लोग करेंगे तो एक्स माइनस टू ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, सो आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो। तो जो आंसर आया हम लोगों का x माइनस टू से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वो होगा जी एक्स, सो डेफिनेटली वी गेट हियर जी एक्स, जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से इस थ्योरम को देखेंगे, ये एक हमारा डिविजन एल्गोरिदम है, क्या होता है इसमें पॉलिनोमियल p ऑफ x मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड टू जी ऑफ एक्स एंड प्लस आर ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स क्या है, यह है डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स क्या है कोशेंट, और आर ऑफ एक्स है रिमाइंडर, जिसमें से हम लोगों को कोशेंट दिया हुआ है रिमाइंडर दिया हुआ है, डिवाइजर का पता नहीं। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स एंड प्लस ये रिमाइंडर, रिमाइंडर को ट्रांसपोज करते हैं, एक नया पॉलिनोमियल मिलता है, उससे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, जो क्यू एक्स था, तो जिससे हम लोगों को जी एक्स मिल जाता है, इसको डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर जीरो आ जाता है एंड वी गेट दिस एज आंसर, सो डेफिनेटली दिस इनटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारा आंसर हो जाता है दैट इज जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो उम्मीद करते हैं बच्चों की एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, ओके अब इसमें कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।